इन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे जो आज आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इसकी हमें बहुत जरूरत थी। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार क्या ये बोलना, मतलब कई दिनों से सोच रहा, इतना थोड़ा 3-4 दिन से थोड़ा माहौल मेरा अलग हो गया था, तो मेरा कुछ अलग ही दिमाग का हो गया था वो, कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यार आज थोड़ा वक्त मिला है। और तो आज मैं थोड़ा मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से जा रहा हूँ, और वैसे टाइम मिला तो थोड़ा अपना घूमना भी हो रहा है तो इसके वजह से। और आपको एक बात बता दूँ, मतलब क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है, सॉरी यार सनसेट नहीं सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, और इसी का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। हैव अ लुक मैन। और काफ़ी समय से मैं प्लान कर रहा था कि हम इनके साथ ट्रेवल करें, आज वो टाइम और वक्त और वो जगह भी है, तो हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और ये हमारा पहला टोल आ गया। ये कौन सा टोल है, कहाँ का पड़ेगा? तलेगांव का टोल है। और एक गवर्नमेंट ने रूल लाया है कि जिसके पास फास्टैग नहीं होगा उसको डबल भरना पड़ेगा फास्टैग के अलावा। तो फिर हमारे पास तो फास्टैग है और ये रहा ऊपर में, तो हम बच गए, हमारे हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं भरना है, तो हम पहला टोल क्रॉस करते हैं। यार फाइनली मैं मुंबई में पहुंच गया हूँ। और यार लोग यहाँ चलाते कैसे यार, इतना ट्रैफिक इतना सब कुछ यार, हमसे तो झेला नहीं जाता यार। वो तो सर जी क्या मालूम कैसे क्या चला रहे हैं, बहुत क्या कौन कौन सी गलियों में घुस रहे हैं ये भी पता नहीं यार। और एक अच्छी बात बता दूँ, मतलब आज सुबह उठा तो मतलब मज़ा आ गया उठने का, सुबह सुबह उठने का ही एक अलग फील होता है। सुबह सुबह उठा जस्ट मैं नहाया फिर निकल गया, मुझे फ़ोन आया कि चलना है कि, तो ये तो प्लान अलग से ही था। तो मैं जस्ट सुबह निकला ना, एक झाड़ के नीचे पहुंचा तो चिड़ियों की जो आवाज़ थी ना इतनी ब्यूटीफुल थी ना, आप सच में कभी सुबह निकल के देखो इतना ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने आज महसूस किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कभी जॉगिंग पे जाओ, क्योंकि मैं सुबह उठता था बट मेरा निकलना होता था 8-8 बजे, बट आज मैं सुबह 6 बजे निकला तो भाई साहब जो अंधेरा था और वो जो चिड़ियों की आवाज़ थी वो आपको सुनाता हूँ, मतलब मज़ा। इसमें कौवे की भी आवाज़ है, तो मतलब उनकी जो आवाज़ थी इतनी खूबसूरत थी, मुझे मेरे दिल को छू गई। आई थिंक आपको भी सुबह सुबह निकलना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हमारा डेस्टिनेशन थोड़े और दूर में, और क्या क्या कौन कौन सी गलियों में जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। हमारा नाश्ता भी हो गया था, हम वहाँ नाश्ता भी सुबह किए, हम निकले, मैं कुछ काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी बता रहा हूँ कि
कुर्ला में आए थे हम, कुछ वहाँ काम निपटाए, उसके बाद फिर हम यहाँ कुर्ला में खाना खाने के लिए, मतलब अब टाइम भी हो गया तो खाना खाने के लिए आए। और यहाँ पे भाई साहब यहाँ तो पार्किंग मिलना मुश्किल है, और ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे से तो रहा नहीं जाता, ऐसा लग रहा है मैं नहा के निकला हूँ। और यहाँ पे पार्किंग भाई साहब कितना खतरनाक हमने लगाया, एटलीस्ट जगह नहीं था, हमें वो कचरे के ढेर में गाड़ी डालना पड़ा। और दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी, और आप देख सकते हो कहाँ पे पार्क है, मुंबई में ऐसी पार्किंग मिलती है। गाड़ी सेफ है ना, हमें थोड़ा डर था कहीं कुछ होने जाए, क्योंकि हमें ऐसे पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, तो हमें ऐसा आना पड़ा। भाई साहब क्या गर्मी है यहाँ पे, हालत टाइट हो गई, लोगों का मानना पड़ेगा यहाँ रहने वालों को, मतलब इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी में हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और वैसे अभी हमारा खाना हो गया, वैसे हम खाने में क्या लिए थे मुझे, मैं भूल गया। हाँ, खाने में ये था पापलेट फ्राई और ये सुरमई फ्राई थाली। तो इन्होंने लिया था पापलेट फ्राई, मैंने सुरमई फ्राई लिया था। तो एक्चुअली खाया हमने बहुत, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि हमें लंबा जाना है तो ड्राइव करना है, तो उसका ज़्यादा खाने से और दोपहर के टाइम ज़रा झपकी लगने लगती है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खाए, बट खाना अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम सुरमई फ्राई ट्राई किया हूँ, मुझे डर था उसमें कुछ काटे बीटे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, तो भी अच्छा था, सो फार सो गुड। भाई साहब ऐसे लोग होते कहीं भी घुसा देते हैं गड्डी। भाई साहब जस्ट मास्क निकाला हूँ, और चेहरे पे देख लो कितने पसीने छूट रहे, वो भी कार में, एसी भी चालू है। ऐसा बहुत हालत खराब है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और यहाँ की जो दंग गलियाँ हैं, वाह वाह, मतलब मुझे तो डर लग रहा है, और ड्राइव करना तो मैं कर लूँगा, बट मैं हाँ बहुत चैलेंजिंग पार्ट है ये यहाँ पे ड्राइव करना, क्योंकि हाँ सतर्कता रखनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ रही है, क्योंकि बोलते हैं नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा से यहाँ पे है, एक बंदा निकलता नहीं कि दूसरा बंदा घुस जाता है ऐसा। हाँ यही चीज है, जो कि मैं अभी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा खुले में जाएंगे तो मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि सुबह से यही कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी मैं खुले में जाने के बाद मैं ड्राइव करूँगा। अब हमारी बारी है ड्राइव करने की। हम हल्का हल्का बोला था आपको खाने के बाद नींद आती है, तो इसीलिए दो ड्राइवर होने ज़रूरी हैं, तो अभी उनका टाइम हो गया, अभी मेरा टाइम आया ड्राइव करने का, तो इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। एक एसयूवी में, एसयूवी चलाने में, और एक इसको क्या बोलते हैं छोटी गाड़ी को, छोटी को कुछ सेडान क्या समथिंग को कुछ भी बोलते होंगे, छोटी गाड़ी चलाने में और बड़ी गाड़ी चलाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में आपको हमने मतलब ऊंचा रहता है तो अच्छे से दिखता है, और छोटी गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा नीचे बैठना पड़ता है, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी फिलहाल तो मैं लोनावाला में ही हूँ,
ठंड जो गर्मी का एहसास मुंबई में हो रहा था वो एक्चुअली उससे मैं बाहर आ चुका था, तो मैं यहाँ पे मुझे वहाँ एसी चालू करना पड़ता था बट यहाँ पे नहीं करना पड़ा, तो उस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया मतलब। और मैं मतलब एक चीज़ की वजह से मैं लोनावाला आया हूँ कि यहाँ का जो खूबसूरत सनसेट और व्यू देखने के लिए वो उसके लिए आया हूँ। मतलब आज का ये बोलना है कि मेरा दिन बन गया भाई साहब, और पुणे से यहाँ आने में कुछ 60-65 किलोमीटर है तो ईजिली आना होता था, बट मैं कभी आया नहीं, और कभी मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे चलने के लिए तो मैं कभी आने नहीं होता था मेरा, तो इस वजह से आज मैं इनके साथ आया तो हमारा मेरा घूमना भी हो गया। आज मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, मैं रहता तो समझ जाओ तो पुणे से अब कितना ही दूर है तो उसका कुछ बोलना ही नहीं। मैं आज फर्स्ट टाइम आया और बहुत अच्छा लगा, और ये इस चीज़ का मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाया क्योंकि बस एक ही खूबसूरत सनसेट देखना था, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए क्योंकि आज दिन भर से हम बाहर हैं। और यहाँ पे भाई साहब मतलब इतना खूबसूरत व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है फिर भी, लेकिन यार मेरी मैंने अपनी आँखों से मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखा है। मतलब आपको बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक्चुअली अभी बारिश के टाइम में फिर आना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि इतना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस लोनावाला आऊँगा तो पूरे डिटेल में देखने को मिला, बट इधर आया हूँ सिर्फ एक सनसेट देखने के लिए क्योंकि सुबह सनराइज़ हो रहा था और शाम को सनसेट होगा। मतलब एकदम कमाल कमाल की फीलिंग है यार, मज़ेदार। सच में बोलूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सनसेट देखने को मिला, सच अ ग्रेट डे और सच अ ग्रेट ब्यूटी ऑफ लोनावाला, मतलब मज़ा आ गया देखने के बाद। और हम इन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे जो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं इन्हें बहुत बहुत थैंक यू, मैं दिल से एकदम थैंक यू बोलूँगा क्योंकि मैं पक चुका था तो मुझे एक लॉन्ग राइड की ज़रूरत थी मुझे, तो आज हो गया फुलफिल। मतलब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये भी बता देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और इसी बात पे हम वीडियो करते हैं क्लोज, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।